हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन के अंदर पिछली क्लास में माउंटेन हिमालय को हमने देखा था। सेकंड आता है अपना द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो इट स्प्रेड आवर एंड द एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। और अगर इसकी बात करें इम्पोर्टेंस की तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पहले से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फर्टाइल प्लेन है और उपजाऊ जमीन होने के कारण बहुत सारा जो है अनाज यहाँ पैदा होता है। 2,400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड ये जो है एरिया है, जो इंडस एंड द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र नदियों के या उनकी टेरिटरी नदियों के मुहाने के ऊपर या उनके डेल्टाओं के अंदर बसा हुआ है। इट डेंसिटी पॉपुलेटेड डिवीजन एग्रीकल्चर सिस्टम, और यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि बहुत ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ रहती है। पॉपुलेशन रहने का कारण ये जो है यहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड अच्छी है, यहाँ की सोयल अच्छी है, यहाँ पर वाटर एबिलिटी अच्छी है और यहाँ का जो है क्लाइमेट अच्छा होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। और इतिहास इस बात का गवाह है कि जहां जहां पानी के स्रोत मिले हैं या जो एग्रीकल्चर लैंड मिली है वहां पर पॉपुलेटेड एरिया ज्यादा रहे हैं या डेंस पॉपुलेशन वहां पर रही है। अगर बात करते हैं हम नॉर्दर्न प्लेन की तो ये भारतीय दृष्टि से स्ट्रेटेजिक दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर अच्छे से रोड बनाई जा सकती है, बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं और यहाँ अच्छे एग्रीकल्चर लैंडफॉर्म तैयार किए जा सकते हैं। तो भारतीय दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। अगर बात करें हम इसके आगे पेनिनसुलर प्लेटू की, पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय भारत का वो भाग है जिसके अंदर पठारी प्रदेश आते हैं। तो इसको दो भागों में हमने बांटा है पेनिनसुलर प्लेटू को। फर्स्ट है इसका सेंटर आइलैंड और सेकंड है इसका डेकन प्लेट्यू। तो सेंटर आइलैंड के अंदर प्लेट्यू कंसिस्ट टू बोर्ड डिविजन्स, और फर्स्ट में बताया है तो विंध्यन रेंज आती है, सतपुड़ा रेंज आती है, अरावली रेंज आती है और छोटा नागपुर प्लेट्यू आता है जिससे दामोदर नदी, नर्मदा रिवर वगैरह निकलती है। तो इसकी बात करें सेंटर हाईलैंड की तो सेंटर हाईलैंड के अंदर विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा और अरावली और छोटा नागपुर पठार आते हैं। छोटा नागपुर पठार को हम क्या कहते हैं, म्यूजियम और मिनरल्स बोलते हैं। ये एक तरह से खनिजों का भंडार है भारत के लिए और यहाँ से जो नदियां निकलती हैं ये कुछ तो चली जाती हैं बंगाल की खाड़ी में और कुछ आ जाती हैं अरेबियन सी में। तो ये भी हमारी नदियां जो हैं इरिगेशन के लिए और पोर्टेबल वाटर के लिए इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब बात करते हैं हम इसके सेकेंड रीजन की, डेक्कन प्लेट्यू की। तो डेक्कन प्लेट्यू एक ट्राइंगल लैंडमार्क के रूप में त्रिभुजाकार आकृति में बना हुआ है। और इसकी बात करें तो इसका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में थार घाट, भोर घाट और पाल घाट बने हुए हैं। और अब हम देखते हैं इंडियन थार डेजर्ट की बात करें तो थार डेजर्ट जो है टुवार्ड द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द अरावली हिल्स बिलो 150 मिलीमीटर ईयर रेनफॉल। क्या बताया है कि अरावली के वेस्टर्न पार्ट में फैला हुआ भाग है जो हमारा थार डेजर्ट में आता है और यहाँ पर 150 मिलीमीटर पर ईयर की कम बारिश यहाँ पर होती है। और अगर बात करें तो पानी की बहुत यहाँ पर कमी है और फ्लोरा एंड फना वनस्पतियां जो हैं, जीव जंतु हैं, इनकी बहुत कमी है। और कोस्टल प्लेन की अगर बात करें तो कोस्टल प्लेन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है जिसमें कोंकण तट आता है, आपका मुंबई और गोवा इसमें शामिल होते हैं, मालाबार कोस्ट आता है और कोरोमंडल कोस्ट आता है। अगर हम बात करें मानसून सीजन चल रहा है तो मानसून सीजन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मालाबार कोस्ट वो कोस्ट है जहां पर मानसून सबसे पहले दस्तक देती है और इंडिया में सबसे पहले एंट्री यहां से होती है। देन फिर वो कहां आती है, देन वो आती है विंध्यन रेंज में, सतपुड़ा रेंज में और अरावली रेंज में, और अरावली रेंज से पैरेलल होती हुई आगे निकल जाती है इसलिए पश्चिमी राजस्थान लगभग सूखा रह जाता है। उसके बाद ही जाके माउंटेन हिमालय से टकराती है और देन वापस यूटर्न लेती है और असम के चेरापूंजी मासिंग राजस्थान पर अच्छी खासी लगभग 1400 मिलीमीटर बारिश वहां पर करती है जो हमारे भारत में सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान है। फिर ये वापस से नीचे की तरफ आती है और बे ऑफ बंगाल से वाइब्रेट होती है और आगे बढ़ते अंडमान निकोबार आइलैंड से टकराती है और देन यूटर्न लेकर मालाबार कोस्ट पे आती है और मालाबार कोस्ट पे लौटते हुए मानसून रिटर्निंग मानसून के द्वारा बारिश होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है हमारे लिए कोरोमंडल कोस्ट और मालाबार कोस्ट। कोंकण तट की बात करें तो मुंबई गोवा में फैला हुआ कोंकण तट है। और यहाँ का कोंकण रेलवे की बात करें तो कोंकण रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें टूरिज्म की दृष्टि से तो कोंकण रेलवे को बहुत सारे टूरिज्म जो है साल भर में देखने आते हैं और बहुत बड़ी इनकम भारत सरकार में इससे होती है। अब आता है अपना द आइलैंड। आइलैंड पार्ट के अंदर हमारी मेन आइलैंड जो आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड जो
हमारे अरेबियन सी में स्थापित है। इसमें बहुत सारे लाखों द्वीप छोटे छोटे हैं जो कोरल से बने हुए हैं, मोतियों से बने हुए हैं, और इन कोरल आइलैंड के अंदर बहुत सारे मिनरल्स निकलते हैं और टूरिज्म के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट जगह होती है ये। इसके बाद में आता है हमारा देव बंगाल में जो अंडमान निकोबार आइलैंड समूह है। अंडमान निकोबार आइलैंड में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर इसकी बात करें तो ये टूरिज्म स्पॉट के हिसाब से भी, और इसके अंदर मिनरल्स वगैरह भी निकलते हैं, और हमारे जहाज वगैरह जो जाते हैं, जो सीज वगैरह हैं, उनके लिए भी एक प्लेटफार्म का काम करता है या पोर्ट का काम करता है। तो अंडमान निकोबार भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट जगह है। और स्ट्रेटेजिक महत्व की अगर बात करें तो भी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि समुद्री तरफ से जो इन्वेडर आते हैं, फॉरेन इन्वेडर आते हैं, तो उनकी निगरानी रखने के लिए या हमारी सिक्योरिटी रखने के लिए ये दोनों आइलैंड हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वहां पर हमारी आर्मी जो है, हमारी नाविक सेना जो है, हमारी नेवी जो है, वहां पर रहकर हमारे देश की निगरानी करती है। तो प्यारे बच्चों, मेजर जियोग्राफिक रीजन में आप बहुत अच्छे से इनको समझ चुके होंगे कि कितने इम्पोर्टेंट हमारे भारत के लिए हैं, और बाकी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू।